दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं बादली गांव में। जी हां, पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर भारत का मान बढ़ाकर भारत लौटने पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के स्वागत और सम्मान के लिए बादली हलके के तमाम जो बुजुर्ग हैं, गणमान्य जन हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। मास्टर मनराज गुलिया जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है बादली विधानसभा से, उनके नेतृत्व में उनके द्वारा संयोजन की भूमिका निभाई गई है। और यहाँ पर जो खास तौर से बादली हलके के गांव गांव से लोग यहां पर मौजूद हैं और अपनी बेटी का पलक पांव पे बिछा करके जोरदार स्वागत व अभिनंदन की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। भारत देश की पहली ऐसी बेटी है जो कुश्ती के ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची है। जीदारी जानदारी संघर्ष जो जोश जुनून और जज्बे की है अनूठी मिसाल इतिहास में दर्ज हो चुकी है। विनेश फोगाट का यह संघर्ष लाखों करोड़ों उन भारतीय बेटियों के लिए प्रेरणा बना है जिन्होंने साधारण स्तर से अपना जीवन शुरू कर ओलंपिक के कुश्ती फाइनल तक पहुंची है। हमारे साथ मास्टर मनराज गुलिया जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हल्का बादली से उनसे बातचीत करेंगे। मास्टर जी, बड़ा स्वागत और अभिनंदन की तैयारियाँ चल रही हैं। तमाम जो बुजुर्ग हैं, मास्टर सत्यनारायण की मैं बात करूँ, खेड़िया से जो कवि हैं, तमाम ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी बेटी विनेश फोगाट के समर्थन में उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे विनेश के लिए? सबसे पहले मैं आपके मीडिया सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे साथ साथ विनेश फोगाट का जो सम्मान समारोह है इसको आप नेशनल लेवल पे जो आप सभी देशवासियों के सामने पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजय भाई, विनेश फोगाट हमारी वो बहन है, वो बेटी है जिसने पेरिस में जा करके हमारे तिरंगे को लहराने का काम किया है। और उन्होंने उनका संघर्ष अगर देखा जाए तो बड़ा बेमिसाल है। हमारी लाखों बेटियों के लिए, बहनों के लिए वो एक संघर्ष का प्रतीक है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कितनी प्रताड़ना सहन करके, कितना संघर्ष करके वो उस मुकाम पे पहुंची है आज, और उसका खेल के जो तीन कुश्तियाँ उन्होंने खेली कितनी बेहतर खेली हैं। भले ही आज उनको वहाँ पर कोई मेडल नहीं मिला हो, लेकिन आपके माध्यम से आज ये सभी बुजुर्ग उनको, विनेश फोगाट जो हमारी बहन है, बेटी है, उनको पलक पावड़े बिछा करके बैठे उनका सम्मान में। और आज यहाँ पर बादली हलके में, बादली के अंदर जो सम्मान समारोह है, एक विनेश फोगाट को वहाँ जाए भले ही मेडल ना मिला हो, लेकिन मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि आज यहाँ बादली के अंदर उस विनेश फोगाट को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, इनके माध्यम से उनको गोल्ड देने का काम। जोरदार तालियां बजाकर एक बार विनेश फोगाट का स्वागत करें। जी हाँ, ये सही मायने में सम्मान है, सम्मान है भारत की एक ऐसी बेटी का जिसने ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचा है। ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण गांव देहात की बेटियां विश्व में तिरंगा झंडा लहरा सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो विनेश की इस उपलब्धि पर खास मनराज जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि विनेश फोगाट जो है हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए बड़े ही प्रेरणा स्रोत और आदर्श बनकर रही हैं, और आगे भी उनका उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी, और वो भी अपनी छोटी बहन बेटियों को, बहनों को वो अपना पूरी गाइडेंस देंगी, और इसी तरह से वो देश का नाम रोशन करवाएंगी। उनका जो संघर्ष है वो एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल, तमाम जो हल्का बादली से यहाँ पर पहुंचे हैं गणमान्य लोग, उनको लेकर के मास्टर मनराज जी क्या कहना चाहेंगे? ये सभी गणमान्य लोग जो पहुंचे हैं, बुजुर्ग पहुंचे हैं, ये सभी अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। उनके मान सम्मान में ये खड़े हैं, उन्हीं के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आज देश का मान सम्मान जो है वो विनेश फोगाट के रूप में है। और विनेश फोगाट ने करोड़ों देशवासियों के दिलों में जगह बना ली है, और इसी जगह को देखते हुए ये सभी बुजुर्ग, ये सभी युवा साथी, ये जुनून यहाँ उमड़ कर आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, तमाम जो बुजुर्ग हैं, हमारे इस क्षेत्र की शान है, वो यहाँ पर मौजूद है सम्मान के लिए। विनेश बेटी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, और आप कहते हैं कि बेटियाँ आगे बढ़कर के बेटों से भी आगे चल रही हैं, तो विनेश के इस इतिहास दर्ज करने के बारे में क्या विचार हैं? पत्रकार जी, विचार न तो ज़्यादा तो तम जानो, हम तो के विचार जाना, हमारा तो काम सब बालकान पाल पोस करेंगे, लाइन पलाउन का विचार विचूर तो तम जानो। जो छोरी ने वर्ल्ड की तो भराई से सारा देश देखने लग रहा, तो विचार तो सरकार न करने चाहिए। हमारा के विचार है, हमारा विचार था तो छोरी ने दिखा दिया करके, इब तो सरकार का विचार है, सरकार के चाहो है। चलिए प्रधान जी, बड़ा स्वागत सम्मान समारोह की तैयारी चल रही है, क्या क्या कहना चाहते हैं? संजय भाई, सबसे मेन बात तो ये है, जो विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? और फिर भी मेडल नहीं देते, तो सारी गलती सरकार की है और किसी का कसूर नहीं।
ये बहुत गलत काम कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। जी 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 करतार जी, क्या कहेंगे विनेश की इस उपलब्धि पर? पंडित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जो आप हर कवरेज एरिया को करते हो। विनेश फोगाट के बारे में तो ये है, अगर उसने ओलंपिक ने गोल्ड मेडल नहीं दिया, पर हिंदुस्तान की जनता, खास करके हरियाणा की जनता, इन्होंने उसको गोल्ड मेडल देना चाहिए। और जहाँ भी अब ये हर गांव में उसका बेसब्री से इंतजार है, और पूरा हरियाणा उसके साथ है, और उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो आज तक किसी भी पहलवान ने नहीं किया। ओलंपिक में पहली लड़की है जो ओलंपिक तक फाइनल में पहुंच गई, और ये हमारा देश का दुर्भाग्य है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई अच्छी प्रकार से उसका वहाँ वो नहीं किया, और इसलिए उन्होंने जो है ना इसका मेडल रख लिया। नहीं तो सिल्वर तो उसका नहीं कुश्ती थी, जब भी सिल्वर में फाइनल में तो था ही था। जी जी बिल्कुल। और देखिए, गांव के सरपंच भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुकड़ोला गांव के सरपंच हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या कहोगे आज बादली में सम्मान समारोह है? भाई साहब, बहुत ही खुशी का दिन है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी ने इतना बढ़िया देश में और हमारा नाम रोशन किया हरियाणा का, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं मानते हम। इसके लिए बहुत बढ़िया।